जय श्री राम प्रिय भक्तों। प्रिय भक्तों, आज की जो वीडियो है वो एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। देखो भक्तों, कई बार एक ऐसी स्थिति आ जाती है, किसी आदमी का प्राणांत होने वाला होता है तो हम सोचते हैं कि फलाना आदमी आ जाए, इससे मिलने 1-2 मिनट इसको मिल जाए, क्योंकि सांसें गिनती की मिली हुई हैं। श्वासें ना बढ़ सकती है ना घट सकती है, लेकिन कुछ समय के लिए एक हम आपको ऐसी आपातकालीन मुद्रा बताएंगे। अगर वो मुद्रा आपने लगा दी उस आदमी के, तो जब तक आप वो मुद्रा उसकी लगाए रखेंगे, उसके प्राण नहीं निकलेंगे, यानी कि वो जिंदा रह सकता है कुछ समय के लिए। तो वो उस मुद्रा देखो, यहां होती है वो मुद्रा। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया, एकदम से कोई समस्या आ गई, या कोई मरने वाला है आपको लगे, तो उसको ये मुद्रा दूसरा व्यक्ति लगाए, क्योंकि वो स्वयं तो लगा नहीं पाएगा। लग के क्या करना है, इस हाथ से ऐसे, यहाँ पे होती है हमारी नाड़ियां, तो जहां पे ऐसे आप रखोगे ना, तो आपको एक ऐसे लुप लुप की ध्वनि सी आएगी। उस नाड़ी को आपको तेज से ऐसे दबा लेना है, एक उंगली से ही। वैसे तो तीनों लगा ले, क्योंकि तीन नाड़ियां होती है, लेकिन वो मेन एक ही होती है। तो जहां पे आपको धड़कन की आवाज आए, उसको कस के पकड़ लो, और उसको पकड़े ही रहो, पकड़े रहो। जब तक आप उसको नहीं छोड़ेंगे, तब तक उसका प्राण नहीं निकल सकता, क्योंकि इसमें परमात्मा का वास है, इस नाड़ी में। और आपने उसको दबा लिया तो वो प्राण आपके निकलेंगे नहीं। आप क्या मतलब, जिसकी भी आपने दबाई हुई है कुछ देर के लिए, ये नहीं है कि आप उसको, क्योंकि हमेशा तो आप दबाए नहीं रख सकते, जिसका दबाओगे उसके भी दर्द होने लगेगा। ये कुछ सेकंडों के लिए या कुछ मिनटों के लिए आप कर सकते हो, जब किसी ऐसा लगे तो इसका प्रयोग करें, और आप उस परमात्मा तक मतलब जिससे उससे मिलाना चाहते हो, तो उसको छोड़ दे। उसके बाद ये इमरजेंसी की एक आपातकालीन मुद्रा है, मृत्यु के समय इसको आप लगा सकते हो। कई बार आदमी से कुछ पूछना होता है, कोई राज की बात होती है, तो कुछ देर आप इसको लगा के रख सकते हैं, जब आपको ऐसा करना हो।